हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने फेस पे ये विटामिन सी सीरम यूज़ किया था, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैंने इसलिए पहले से इसको लगा लिया। और अब मैं लगाऊँगी लियोन का प्राइमर। और अब मैं लगाऊंगी ये CBD का कंसीलर। मैं पूरा मेकअप आज आपको इसी से करके दिखाऊंगी, ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो कोई फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इतना अच्छा है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हम फेस में मेकअप करेंगे तो अपनी नेक और ईयर कभी नहीं भूलेंगे। और मैं इस कंसीलर के साथ थोड़ा सा ये Glam 21 का शाइन भी यूज़ करूँगी, ये बहुत अच्छा है। इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ थोड़ा सा, वरना आपका पूरा फेस शाइनी शाइनी लगेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो आपके फेस पे नेचुरल एक शाइन और ग्लो दिखेगा। इतना सही लिया है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है। और ये वेट है, ब्यूटी ब्लेंडर वेट है ये हल्का सा। अब जब भी कंसीलर या फाउंडेशन लगाएं तो उसे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करें, अच्छे से ब्लेंड करें। जितना आप उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही नेचुरल लुक आएगा और आपका मेकअप पैच ही नहीं लगेगा। शाइनर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है।
कंसीलर मुझे थोड़ा सा यहाँ कम लग रहा है क्योंकि मेरे आंखों के ऊपर डार्क सर्कल थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और लगा लूँगी ताकि जब हम आई शेडो लगाएं तो वो एकदम अच्छे से दिखे। और अब मैं लगाऊंगी लूज पाउडर, ये ग्लैम 21 का लूज पाउडर है। और अब मैं लगाऊंगी लेमन का आई शेडो, मैं लगाऊंगी ये ब्लू और सिल्वर मिक्स करके। पहले मैं सिल्वर लगाऊंगी, और मैं ये अब ब्लू वाला हूँ। और अब मैं लगाऊंगी इसी सिल्वर से यहाँ पे हाइलाइटर।
और अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। तो गाइज ये लाइनर मैंने लगा लिया है, पर मुझे आई शेडो थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये डार्क शेड दूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो एकदम से डार्क भी अच्छा नहीं लगता। अब ये अच्छा लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लाइट था, क्योंकि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा लाइट था, तो उससे थोड़ा सा मैंने उसमें ये डार्क वाला भी मिक्स कर दिया। और अब मैं लगाऊंगी अपना काजल। ये वो का काजल, और अब मैं लगाऊंगी ब्लश। ये गाइस मेरा ब्लश, तो ये मैं सारे कलर मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि सारे प्यारे हैं।
अगर आप लोग हल्का हल्का लगाएंगे तो आपका पूरा फेस पिंक सा लगेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ब्लू लाइट सा बच्चों लेके। और अब मैं लगाऊंगी अपना मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद अब मुझे नकली आई लैशेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें ऐसे ही बहुत नकली लग रही हैं। क्योंकि हर जगह आप नकली आई लैशेज नहीं लगा सकते हो, या कभी आपसे जल्दी जल्दी में नहीं भी लग पाती, तो आप मस्कारा से काम चला सकते हो मेरी तरह। और अब मैं लगाऊंगी अपना लिप लाइनर। ये रहा मेरा हाइलाइटर। क्योंकि लिक्विड वाला तो मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ।
अब मैं पहन लूंगी अपने इयररिंग। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए। मैंने अभी पॉनी की हुई है, आप चाहें तो अपने बालों को खुला भी रख सकते हैं। तो गाइस